हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ प्लान्स एंड लाइफस्टाइल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, दो चार चीज़ें वो अंडरस्टैंड करेंगे जो लोगों को कन्फ्यूजिंग लग रही हैं, जैसे कि प्री वॉश और सोक में डिफरेंस। जो नई मशीन आई हैं उनमें सोक का ऑप्शन है, जो पुरानी मशीन हैं उनमें प्री वॉश का ऑप्शन है। इसके अलावा जो इको मोड है, इको मोड काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरी वॉशिंग मशीन में तीन मोड्स हैं, स्पीड मोड है, इको मोड है और नॉर्मल मोड है। तो मैं वो तीनों मोड आपको दिखाऊंगा। काफ़ी लोगों की मशीन में जो नई मशीन्स हैं और जिनने अभी नई नई खरीदी हैं, जो WAJ वाले वर्जन हैं, उनमें इको मोड नहीं है काफ़ियों में। तो आप ये कन्फ्यूज़ ना हो, इको मोड कुछ ही मशीन्स में है। और अगर आपको कोई भी सेल्समैन ऐसे सेल ऑफ करता है कि हैकर की इसमें इको मोड है या फिर सेविंग ज़्यादा हो जाएगी, तो वो आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि नॉर्मल मोड को वो इको मोड बोल रहा है। तो मैं आप अपनी वॉशिंग मशीन में दिखाऊं, अभी मेरी एक साइकिल ख़त्म हुई है इसमें। तो अगर मैं कॉटन मोड लगाता हूं, एक और ये भी क्वेश्चन था कॉटन वाला, तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर कॉटन इको मोड में चलेंगे। कॉटन मोड में क्या होता है कि आपका एक घंटे का स्पीड वाली साइकिल है, एक घंटे की स्पीड वाली साइकिल है। अगर मेरे को एंटी टैंगल फीचर इसमें ऑन करना है तो ये 14 मिनट से लगभग इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ 114 हो गया है, तो ये क्या ध्यान रखेगा कि वो टैंगल ना हो। कॉटन आपका ऑटोमेटिकली 40 डिग्रीज पे चलता है, लेकिन आप चाहो तो टेम्परेचर का बटन दबाकर इसको चेंज कर सकते हो, 30, 20 या फिर कोल्ड वॉश कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी आपके पास कपड़े हैं उनमें यूजली अगर अच्छे ब्रांड के हैं तो उनमें टैग लगा हुएगा, वो टैग पे क्लियरली आपको बता रहे होंगे कि कोल्ड वॉश करना है या फिर हैंड वॉश ही करना है, या फिर आप 40 डिग्रीज में धो सकते हो या 60 डिग्रीज में धो सकते हो। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि बेडशीट्स को किधर धोना है, तो बेडशीट्स को आप आराम से 60 डिग्री कॉटन में भी धो सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ 40 डिग्री में, एक घंटे की साइकिल में फटाफट धो देता हूँ। प्लस में आपको ये भी पता होगा कि यूजुअली रात को अपने कपड़े डालकर इसमें डीले वाला फीचर जो है इसके अंदर, या फिर रेडी इन वाला, दो फीचर्स होते हैं, कुछ मशीन्स में डीले के नाम से होता है और कुछ मशीन्स में रेडी इन के नाम से होता है। तो रेडी इन में मैं मान लो रात को 10 बजे मैंने कपड़े डाल दिए और मेरे को सुबह 10 बजे कपड़े रेडी चाहिए एकदम तैयार, तो रेडी इन वाला फीचर मैं 12 घंटे की साइकिल पर लगा दूंगा। तो जैसे कि रेडी इन मैंने अगर किया तो इधर 12 घंटे लगा दूंगा रेडी इन में, तो वो 12 घंटे के लिए सेट हो जाएगा। तो ये आपका रेडी इन फीचर रहता है और मेरे को अगले दिन सुबह 10 बजे कपड़े धुले हुए मिलेंगे। कॉटन में चले, कॉटन लेवल में जो 3 घंटे वाली साइकिल है, इसमें आपका एनर्जी कंजम्पशन सबसे कम है और सिर्फ एक लेवल का एनर्जी कंजम्पशन है। ये 3.5 घंटे की साइकिल है और ये आपके सबसे कम अच्छे 60 डिग्री में धोएगी, आपके कपड़े 60 डिग्री में धोएगी, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन आपका मिनिमम रखेगी। तो ये इसका फ़ायदा है, लेकिन 3 घंटे लगते हैं। यही साइकिल है जिसमें आपको लगभग 8 kg का लोड मिलता है। तो हर साइकिल में इसको अगर खोल के दिखाऊं मैं इधर, तो इधर 8 kg लिखा आ रहा है। तो 8 kg का लोड आपको कुछ ही साइकिल्स में मिलता है, सब में नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 8 kg की मशीन खरीद ली है तो आप हर साइकिल में 8 kg कपड़े भर दो इसके अंदर, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और आपको ये अंडरस्टैंड करना है, और ये बॉश की मशीन हो, LG की हो, सैमसंग की हो, सारी मशीन्स में आप ऐसा नहीं 8 kg की खरीदिए तो 8 kg भर दो एकदम। वो आपको रिकमेंडेड वेट बताता है, जब आप दरवाज़ा खोलोगे तभी आपको रिकमेंडेड वेट बताएगा कि मेरे इसमें जैसे 8 kg दिखा रहा है। तो ये वेट नापता नहीं है, इसके अंदर वेइंग स्केल नहीं लगा है, लेकिन ये जज कर पाता है कि भाई कितना आपको डालना चाहिए। और अगर आप रिकमेंडेड वेट से ज़्यादा कपड़े डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली टाइम इंक्रीज़ कर देता है आपको अच्छी वॉश क्वालिटी देने के लिए। तो ये इसका एक पैरामीटर रहता है। इसके बाद अगर अंडरस्टैंड करें हम इको मोड वाली चीज़ पे चलें, तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और कॉटन पे जाता हूँ, कॉटन में स्पीड मोड पे अभी 1 घंटा दिखा रहा है, शायद आपको क्लियर हो ना हो, लेकिन यहाँ पर 1 आवर दिखा रहा है स्पीड मोड में। अब मैं जब एक बार इसको प्रेस करता हूँ तो ये इको मोड पे चले गया और 3 hours 33 minutes दिखा रहा है, और इसने जो पावर कंजम्पशन था उसको 40% पे ले आया है जो 100% पे थी। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हीटर लगा है, 16 ampere का प्लग है हमारा जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इको मोड में 3.5 घंटे लगाएगा लेकिन कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसके बाद अगर मैं फिर से स्पीड और इको मोड दबाता हूँ तो अब ये आ गया नॉर्मल मोड।
ये तीन मोड है, स्पीड मोड 1 घंटा, इको मोड 3 घंटा 33 मिनट, और नॉर्मल मोड है 2 घंटा 55 मिनट। तो काफ़ी सारी वॉशिंग मशीन्स में नॉर्मल मोड है, आपके पास इको मोड अवेलेबल ही नहीं है एज अ फीचर, इसी कारण से वो वॉशिंग मशीन सस्ती हैं। अभी जो अक्टूबर में नए मॉडल्स निकले हैं, अक्टूबर 5 अक्टूबर के आसपास बॉश के जो नए मॉडल्स निकले हैं, उनमें से काफ़ियों में इको मोड नहीं है, और इसका कारण इसी वजह से वो सस्ती भी है। तो आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मेरी ये मशीन अभी भी मैंने खरीदी थी 36600 की, ऑफलाइन बाहर से खरीदी थी, और ऑनलाइन कभी कभार सस्ती मिलती है, कभी कभार महंगी मिलती है, ऑफर्स पे आप देख सकते हो। अभी शायद कोई डिस्काउंट्स चल रहे हैं जब तक इनका अमेज़ॉन सेल लगी हुई है या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह की सेल लगी हुई है, तो इसमें अलग अलग सेल्स में अलग अलग प्राइसेस मिलते हैं, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो काफ़ी में इको मोड नहीं है, तो कन्फ्यूज़ ना होए, काफ़ी लोग अपने आप को ऐसा दिलासा दे रहे हैं कि भाई मेरी मेरी में तो इको मोड है, लेकिन वो इको नहीं है, वो नॉर्मल मोड है। तो मेरे में तीन मोड हैं, स्पीड मोड, नॉर्मल मोड एंड इको मोड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे की नेक्स्ट चीज़ में एक समझते हैं। काफ़ी बारी घर में रह रहे हो आप, आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती 1 घंटे के लिए कपड़े धोने की, आप कम स्पीड भी चला सकते हो और कम देर भी कपड़े धो सकते हो। तो अगर हम इसको चलें तो तभी हमारे पास यहाँ पर 15 मिनट और 30 मिनट का मोड लगा हुआ है, तो ये बहुत अच्छे मोड्स हैं, हम बहुत बार इसको यूज़ करते हैं। तो हम सिर्फ 15 मिनट कपड़े धोते हैं काफ़ी बारी, जैसे घर पे रहे हैं पूरे दिन और कुछ पसीने नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, बैठे हैं आराम से, और सर्दियों में तो वैसे भी कम हो जाता है, तो कुछ अगर गंदे नहीं होते आपके कपड़े, तो आप सिंपली 15 मिनट वाले मोड पे जाओ, जैसे यहाँ 15 मिनट लिखा है, इसको आपको 20 मिनट अगर करना है, तो इधर आपका स्पीड और इको मोड वाला फीचर फंक्शन जो है उसको ही प्रेस करोगे, तो ये 30 मिनट में बढ़ जाएगा। इस साइकिल में क्या होता है, आप टेम्परेचर चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से हल्का सा वो आपका एनर्जी कंजम्पशन और टाइमिंग चेंज करेगा। प्लस इसके साथ क्या होता है कि अगर आप 30 मिनट की साइकिल लगाते हो, इसमें आपके कपड़े स्पिन ड्राई नहीं होते हैं, आपको गीले कपड़े मिलेंगे। अगर आपके कपड़े हो गए 30 मिनट के बाद, तो आप स्पिन एंड ड्रेन वाली में जा सकते हो, वो 10 मिनट की आपकी साइकिल रहेगी। यहाँ पर मैं सेटिंग करके 1 मिनट दिखा रहा हूँ आपको, ये आपकी 10 मिनट की साइकिल रहेगी, या 19 मिनट की, या 15 मिनट की, जिस हिसाब से। इसमें स्पीड का ऑप्शन नहीं है कुछ भी चेंज करने का, तो ये 19 मिनट दिखा रहा है, 19 मिनट भी नहीं यूज़ करो, आप 10 मिनट भी यूज़ करोगे अगर 1400 RPM पर, तो आपकी ये पूरी मशीन जितने भी कपड़े थे गीले उनको एकदम सुखा देगी, 75-80% तक सुखा देगी, और फिर उसके बाद उनको आप बाहर सुखा सकते हो धूप में वगैरह। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो चलें, ये सारी क्वेरीज वगैरह हैं जो मेरे को रिसीव हुई हैं, तो मैं मेनली उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, और आपको अपनी वॉशिंग मशीन भी अंडरस्टैंड करने को ज़्यादा मिलेगी। कोई भी वॉशिंग मशीन हो, LG की हो, सैमसंग की हो, IFB की हो, अब मोटरोला की भी कुछ वॉशिंग मशीन आने लगी हैं, लेकिन देखो मोटरोला की जो मशीन हैं उनमें वो मोटर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, वो सब अपनी गिमिकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पल्सेलेटिंग टेक्नोलॉजी है और ये है वो है जो भी, और फ़ोन से यूज़ कर सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मोटर, वो LG और बॉश ये दोनों बात करते हैं अपनी मोटर्स के बारे में, और ये कितनी स्टेबल, कितनी बढ़िया मोटर्स हैं। तो दोनों ही बहुत सॉलिड है, मैं कभी मना नहीं करता, दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे को LG से बेटर बॉश इसलिए लगी क्योंकि मैंने जो LG की डायरेक्ट ड्राइव है उसमें इशूज़ देखे थे और बॉश में नहीं देखे थे। बहरहाल इधर आते हैं, जो मैं इधर पॉइंट बता रहा था वो ये था कि आपका 1400 RPM पे आप सारे कपड़े नहीं चलाएंगे। अगर आप डेलिकेट्स और कॉटन्स चला रहे हैं, या फिर आपको मान लो बहुत अच्छे प्रीमियम स्वेटर्स हैं, तो उनको आप ड्राई क्लीन ही करवाओ, जैसे कि कश्मीर के स्वेटर्स हैं या फिर लैम्स वूल के स्वेटर्स हैं आपके, आप उनको देखो, क्योंकि यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते और कपड़ा खरीदते टाइम भी नहीं ध्यान देते हैं कि भाई अच्छा लगता है, सॉफ्ट है, चलो ले लिया, लेकिन आप अंडरस्टैंड करो और ध्यान से अपने कपड़े को खरीदो, जो सबसे प्रीमियम कश्मीर होता है, तो आपको वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कश्मीर बहुत अच्छा है, और सीदा आप ऐसे रख कर डाल कर 1400 RPM पे चला दोगे तो उधड़ भी सकता है वो, तो आपको अंडरस्टैंड करना है, ऐसा नहीं कि उठा के पटक दिए सीधा, तो आपको अपने कपड़ों का ध्यान रखना है क्योंकि वो एक्सपेंसिव आते हैं क्लोथ्स, तो उनको अंडरस्टैंड करो, और उनके ऊपर मेंशन भी रहता है कभी कभार हैंड वॉश ही कर सकते हो और मशीन वॉश नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों को ध्यान रखो, और अब मतलब ख़राब ही ना हो किसी भी तरह। ऑब्वियसली मेरे साथ भी ये बहुत बार हो चुका है कि भाई रंगीन कपड़ा डाल दिया तो सारे कपड़े सेम कलर के हो गए, रेड कलर के हो गए या कुछ, लेकिन वो ध्यान रखो क्योंकि हो जाता है कभी ना कभी, और 4-5 वॉश में कहते हैं कि निकल जाता है, लेकिन यूजुअली मेरे को तो 7-8 वॉश लगती है रंगीन कपड़ा अगर वाइट्स पे लग जाता है तो। सो यही मैं बताना चाह रहा था, अगर कोई भी और डाउट्स हैं आपको वॉशिंग मशीन के बारे में, आप
मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस की मैंने वीडियोस बना रखी हैं, और यार आप लोग मेरी वीडियोस देखो, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। सब्सक्राइब का बटन नहीं हिट किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको रेगुलरली काम में आएगी, और जब भी डीस्केलिंग या रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि भाई अब डीस्केलिंग की रिक्वायरमेंट है। मैंने अपनी मशीन जुलाई में ख़रीदी थी, और जुलाई से 6 महीने के बाद अभी आपके सामने डीस्केलिंग करी थी मैंने। तो मेरे को पता है कि भाई डीस्केलिंग करना है, तो उससे आपको भी रिमाइंडर मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा देते हो तो आपको भी पता चल जाएगा भाई मेरी वॉशिंग मशीन का डीस्केलिंग का टाइम आ गया है। तो आपको उससे आइडिया रहेगा कि भाई इसने करी है तो अब मेरा भी टाइम आ गया, क्योंकि मैं रेगुलरली ऑब्वियसली टेक केयर करने लग चाहता हूँ यार। 40,000 रुपये लगाएं एक मशीन में, इन्वेस्टमेंट किया है तो बढ़िया रहे। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। और सारी वीडियोज़ देखो, काफ़ी लोग सेम रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप वीडियोस देख लोगे तो काफ़ी सारे आंसर्स आपको वहीं हो जाएंगे। और क्योंकि कमेंट्स कभी कभार मिस आउट हो जाते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं तो कुछ कभी कभार कमेंट्स कुछ मिस आउट हो जाते हैं मेरे को आंसर करने से। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। मेरे को अभी भी अपनी वॉशिंग मशीन टॉप लगती है एकदम नए मॉडल्स आने के बावजूद, क्योंकि ये भी पुरानी पुरानी ज़रूर है 2019 मॉडल, लेकिन अभी भी प्रीमियम फीचर्स जो इसके सुपर है। नए वॉशिंग मशीन ने इन्हें हल्के से कट कर दिए हैं, मे बी सस्ता करने के लिए और कंपटीशन को टारगेट करने के लिए और ज़्यादा सेल्स बढ़ाने के लिए, लेकिन तब भी ये सबसे सॉलिड मशीन है अभी भी जो मेरे को लगती है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट्स हैं नीचे मेंशन करके मुझे आप पूछ सकते हो। साइनिंग ऑफ सिद्धांत गोयल फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल।